स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और आज मैं डीआरडीओ से संबंधित, क्योंकि डीआरडीओ का एग्जाम कल परसों में होने जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने हीट ट्रीटमेंट से टॉप 20 क्वेश्चन छांट के रिलीज कर रहा हूँ। लेकिन उन्हें रिलीज करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हेमाटाइट आयरन ओए कंटेंस आयरन अबाउट, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है हेमाटाइट जो अयस्क कोता लोहे का, उसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है। तो हेमाटाइट में फ्रेंड 70% लोहा होता है, यानी कि 70% लोहा होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 70%। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड, अ स्टील विद कार्बन इज नाउ एज हाइपोयुक्टाइड स्टील, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कार्बन की कितनी प्रतिशत वाले स्टील को हाइपोयुक्टाइड स्टील के रूप से जाना जाता है। तो जिसमें दो फ्रेंड्स ब्लो, यानी कि 0.8% से कम कार्बन होता है, उसी स्टील को हाइपोयुक्टाइड स्टील के रूप से जाना जाता है, और जिसमें 0.8 से ऊपर का होता है फ्रेंड्स, उसको युक्टाइड स्टील के रूप से जाना जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील मार्किंग प्रोसेस इज बीइंग एट राउरकेला स्टील प्लांट, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि राउरकेला स्टील प्लांट में निम्नलिखित में से स्टील उत्पादन के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो राउरकेला स्टील प्लांट में दोस्तों ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, यानी कि LD प्रोसेस अपनाया जाता है राउरकेला स्टील प्लांट में, इसी के द्वारा वहाँ स्टील का उत्पादन होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इंडक्शन हार्डनिंग इज बेसिकली, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि इंडक्शन हार्डनिंग का मूल रूप क्या है। तो इंडक्शन हार्डनिंग का मूल रूप फ्रेंड्स है सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, यानी कि वो सतह को सख्त हार्ड करता है, यानी कि बाहरी सरफेस को हार्ड करता है, तो इंडक्शन हार्डनिंग का काम है, क्योंकि इंडक्शन हार्डनिंग पर कोयल का प्रयोग किया जाता है, कोयल से ही हार्डनिंग की जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन हाई स्पीड स्टील मैगनीज इज यूज टू हार्ड द मेटल एंड द इंक्रीज इट, यानी कि इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स कि उच्च गति वाले स्टील में मैगनीज का उपयोग धातु को कठोर करने और क्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर फ्रेंड्स हाई स्पीड स्टील में 15% मैगनीज मिला दिया जाए तो उसकी मशीनिंग नहीं की जा सकती, इतनी कठोर हो जाती है कि उसकी मशीनिंग नहीं की जा सकती, जिसका कि टेम्परेचर 1445 डिग्री हो जाता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर जब 1445 डिग्री हो जाएगा तो उसकी मशीनिंग नहीं हो सकती। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, युक्टाइड रिएक्शन वर्क्स एट, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि युक्टाइड प्रतिक्रिया कितनी डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर पर की जाती है। तो युक्टाइड प्रतिक्रिया दोस्तों 723 यानी कि 723 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है, क्योंकि इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि युक्टाइड स्टील 0.8% से ऊपर का कार्बन उसमें होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, स्टील कनेक्ट बी हार्डेंड अनलेस इट इज हीटेड, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि जब तक स्टील को गर्म नहीं किया जाता तब तक स्टील कठोर नहीं की जा सकती। तो इसमें कुछ ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कि अबाउट द लोएस्ट क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि स्टील को जब तक लोएस्ट जो लो क्रिटिकल पॉइंट होता है उससे ऊपर गर्म नहीं किया जाता तब तक उसको हार्ड नहीं किया जाता, तब तक वो सॉफ्ट रहती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टील विद 0.8% कार्बन एंड 100% पियरलाइट इज कॉलेट, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि 0.8% कार्बन और 100% पियरलाइट वाले स्टील को क्या कहा जाता है। तो जिसमें भी फ्रेंड्स 0.8% से ऊपर का कार्बन होता है तो उसे युक्टाइड स्टील के नाम से जाना जाता है, और 0.8% से कम कार्बन वाले स्टील को हाइपोपरयुक्टाइड स्टील के नाम से जाना जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.8% और 100% पियरलाइट वाले स्टील को युक्टाइड स्टील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सेरेडाइजिंग प्रोसेस इज यूज फॉर, यानी कि सेरेडाइजिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो सेरेडाइजिंग प्रक्रिया का प्रयोग दोस्तों सरफेस कोटिंग के लिए किया जाता है, यानी कि सरफेस की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरफेस कोटिंग के लिए सेरेडाइजिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस हार्डनिंग प्रोसेस, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि इनमें से केस हार्डनिंग की प्रोसेस कौन सी है। तो इनमें से ये सभी केस हार्डनिंग की प्रोसेस है फ्रेंड्स, यानी कि सेरेडाइजिंग भी, सारनाइड भी और नाइट्राइडिंग भी केस हार्डनिंग की प्रोसेस है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन पैक कार्बोराइजिंग कार्बन इज सप्लाइड, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि पैक कार्बोराइजिंग में कार्बन को
किससे उपलब्ध कराया जाता है। तो पैक कार्बोराइजी में कार्बन को दोस्तों चारकोल के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि किसी माइल्ड स्टील के एक पार्ट को कार्बन कास्ट आयरन के बॉक्स में रख के उसमें कार्बन युक्त पदार्थ यानी कि जैसे लकड़ी, कोयला, हड्डी का पाउडर, झुलसे चमड़े, कैल्शियम इत्यादि इस टाइप के कुछ बॉक्स कास्ट आयरन के बॉक्स में बंद कर दिए जाते हैं, जिसे चारकोल के रूप में जाना जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिलीविंग द इंटरनल स्टेज प्रीवियसली सेटअप इन द मेटल एंड फॉर इंक्रीज द मसलिबिलिटी ऑफ स्टील इज, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि पहले धातु को आंतरिक स्टेज यानी कि आंतरिक तनाव से राहत के लिए और स्टील की मसलिबिलिटी बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टील में इंटरनल स्ट्रेज और मसलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स अनिलिंग प्रोसेस किया जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। अनिलिंग प्रोसेस का ही प्रयोग किया जाता है इंटरनल स्ट्रेज और मसलिबिलिटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड विच प्रोसेस इज यूज टू रिमूव इंटरनल स्टेज फ्रॉम अ मेटल। ये क्वेश्चन भी सेम है फ्रेंड्स, बस इसमें से मसलिबिलिटी हटा दी गई है। तो इसमें करेक्ट आंसर वही होगा ऑप्शन ए, यानी कि अनिलिंग, किसी धातु के आंतरिक तनाव को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, यानी कि इंटरनल स्ट्रेज को हटाने के लिए और मसलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए अनिलिंग का प्रयोग किया जाता है। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था फ्रेंड्स, वही इसमें पूछा गया है इसमें से कि इंटरनल स्ट्रेज को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनल स्ट्रेज को हटाने के लिए अनिलिंग का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द आयरन ओए मोस्टली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन इज, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया लोहे का कौन सा अयस्क ज़्यादातर पिग आयरन के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लोहे का अयस्क जो पिग आयरन के लिए उत्पादन होता है दोस्तों, वो होता है हेमाटाइट, यानी कि हेमाटाइट का ही प्रयोग पिग आयरन के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज्ड फॉर अ कास्टिंग मेटल, यानी कि इसमें पूछा गया है कास्टिंग मेटल में उपयोग किए जाने वाले हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया का नाम बताइए। तो कास्टिंग मेटल के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती है फ्रेंड, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अ स्टील इज हार्डेंड एट अबाउट 875 डिग्री सेल्सियस वेयर द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ऑस्टेनाइट, इट इज देन कूलिंग सडनली एट द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस टू 525 डिग्री सेल्सियस, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज नाउ एज, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है एक स्टील को लगभग 875 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जब जहाँ की उसकी संरचना पूर्ण तरह ऑस्टेनाइट है, फिर इसे लगभग 250 डिग्री सेल्सियस से 525 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक अचानक एकदम से ठंडा कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया हीट ट्रीटमेंट की इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, तो हीट ट्रीटमेंट की इस प्रक्रिया को दोस्तों मांटे टेम्परिंग के नाम से जाना जाता है, यानी मांटे टेम्परिंग के नाम से, यानी मांटेसाइट ही इसको कहा जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मांटेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द प्रोसेस इन विच कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ आर बाय द मेटल सरफेस टू गेट इट इज हार्डेंड इज नाउ एज, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है किस प्रक्रिया में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों धातु की सतह द्वारा अवशोषित करने के लिए कठोर किया जाता है, इसे किस रूप में जाना जाता है। तो इसे फ्रेंड्स सारनाइडिंग के रूप में जाना जाता है, तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाइडिंग में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वेन अ स्टील कंटेनिंग और मोर देन 0.8% कार्बन इज कूल्ड स्लोली ब्लो द लोअर क्रिटिकल पॉइंट इज कंडेंसिंग ऑफ, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि 0.8% से अधिक कार्बन युक्त स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान पर धीरे धीरे ठंडा किया जा रहा है, तो इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर शामिल है। यानी कि एक युक्टाइड स्टील की बात चल रही है फ्रेंड्स, क्योंकि 0.8% से अधिक कार्बन यानी कि युक्टाइड स्टील है, उसमें कौन कौन से धीरे धीरे ठंडा किया जा रहा है, यानी कि लोअर क्रिटिकल तापमान पर धीरे धीरे ठंडा किया जा रहा है, तो उसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। तो उसमें पियरलाइट और सीमेंटाइट है फ्रेंड्स, पियरलाइट और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर का ही धीरे धीरे उसको ही ठंडा किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द मशीन टूल गाइड वे आर यूजली हार्डेंड बाय, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि मशीन के जो गाइड वेज होते हैं उनको आमतौर पर किससे हार्ड करते हैं, यानी कि कौन सी प्रोसेस से हार्ड करते हैं। तो मशीन के गाइड वेज को दोस्तों फ्लेम हार्डनिंग यानी कि फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा ही हार्ड करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लेम हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द टेम्परेचर पॉइंट एट विच द चेंज एंड ऑन हीटिंग द स्टील इज कॉल्ड, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि वो तापमान बिंदु कौन सा है जिस पर स्टील को गर्म करने पर परिवर्तन समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स अपर क्रिटिकल पॉइंट पर जब स्टील गर्म हो जाती है तो स्टील का जो अंदरूनी संरचना होती है उसमें परिवर्तन होना बंद हो जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपर क्रिटिकल पॉइंट।
थैंक यू दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लग गया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट यानी कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।